Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास है Redmi का Note 12, इस फोन में फ्रेंड्स आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप कैसे इस फोन के अंदर ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं जिस किसी भी आप, तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है। आपको ही नहीं, जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे भी पता चल जाता है कि आपने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को करना शुरू कर दिया। अब आप ये चाहते हो कि आप जब किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करें तो आपको जो अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है और उधर भी सुनाई दे रहा है वो सुनाई नहीं देना चाहिए, आपकी साइलेंट तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए तो बहुत आसानी से आप इस फोन के अंदर इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे जो कि किसी को पता नहीं चले। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं अब हम कैसे इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, यहाँ पे सर्च बार में सर्च कीजिए TTSLEXX, एक एप्स को फ्रेंड्स आपको डाउनलोड कर लेना है जिसकी मदद से हम जो कॉल रिकॉर्डिंग करते समय अनाउंसमेंट आता है उसको बाईपास कर पाएंगे। डाउनलोड करके इसको ओपन कीजिए, यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो एप्स डाउनलोड किया था उस पर क्लिक करके कर देंगे यहाँ पे ओके। यहाँ से वापस आ जाइए, इसके बाद आपको जो डायलर रहता है इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए। टैप एंड होल्ड करते ही आपके सामने ऐप इन्फो नजर आ जाता है, सिंपली अब आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है क्लियर डेटा, क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। वापस आ जाएंगे, यहाँ से अपने डायलर को ओपन करेंगे, यहाँ ऊपरी साइड देखने को मिलेंगे आपको 3 डॉट, इन 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस फोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं और जो कॉल रिकॉर्डिंग आपकी हुई है उसको आप कैसे सुन सकते हैं, कैसे दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ये भी आपको लास्ट में वीडियो में पता चलेगा, बस वीडियो को कंप्लीट देखें। अब ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए एक तो ऑप्शन ये रहता है, यहाँ से इनेबल कीजिए और ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब उन सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी आपके इस फोन में जो भी नंबर आपके फोन के अंदर सेव नहीं होंगे। जो नंबर फोन के अंदर सेव है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए सेलेक्ट नंबर पर चले जाइए और यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल करके ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। चूज ए कॉन्टेक्ट पर क्लिक करके उन नंबर को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्डिंग को करना चाहते हो। तो इस तरह से आप इस यहाँ पे अपने नंबर को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। वापस आने के बाद अब जैसे कि किसी नंबर की आपने कॉल रिकॉर्डिंग की उसको सुनना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, कि किसी नंबर की आपने कॉल रिकॉर्डिंग करके रखी है और आप चाहते हो उसको सुनना या फिर शेयर करना, तो अपने डायलर को ओपन कीजिए। आप जैसे कि ये वाला नंबर इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपने करके रखी है तो इस अपने कॉन्टेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑडियो देखने को मिलेगी, प्ले करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसको सुन सकते हैं।